ताइवान में एक आग लग गई भयंकर तरीके से, और ताइवान में जब यह घटना घटी तो एक इमारत में आग लग जाती है और फिर आग की चपेट में आने से 46 लोगों की जान चली गई। ये आग है सब कुछ जला देने वाली आग, सब कुछ राख कर देने वाली आग। ये आग ताइवान में लगी है। दक्षिणी ताइवान की एक इमारत में आग लगी और इसमें 46 लोगों की मौत हो गई, करीब 51 लोग घायल हैं। ताइवान के काओशुंग शहर में 13 मंजिला इमारत में करीब 3 बजे ये आग लगी। करीब 11 शव तो वहां से निकाले गए, उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। घायलों को अस्पताल भेजा गया लेकिन कई घायलों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग को बुझाने का प्रयास किया गया। यह इमारत करीब 40 साल पुरानी बताई जा रही है। नीचे दुकानें हैं और ऊपर अपार्टमेंट बनाए गए हैं जहां लोग रहते थे, लेकिन आग लगने के बाद इमारत का निचला हिस्सा पूरा काला पड़ गया। राहत और बचाव दल ने कई लोगों को बचाया भी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के पूरे लोगों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका और करीब 46 लोगों ने दम तोड़ दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।